जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन ऑल ऑफ यू। क्या हाल हैं सबके? सो आ गया है आपका ये सेशन, फटाफट से लाइव आ जाओ। जय हिंद एंड वेलकम टू द सेशन। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा। जय हिंद, जय हिंद एंड वेलकम टू द सेशन। यस रिचा, आई विल एट दैट क्लास फॉर श्योर बहुत जल्दी। फटाफट से एमसीक्यूज करते हैं, कोई बीच में कच 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 कुछ नहीं करेगा, ठीक है? जितने एमसीक्यूज हो पाएंगे उतना जल्दी जल्दी हम करेंगे, ठीक है? चलिए तो पहले एमसीक्यू की फटाफट से देख लेते हैं। विच कंपनी हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज इन द 2020? कौन सी कंपनी ने टॉप करा है 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज इन 2020? किसने टॉप किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC या IOCL? एंड अगेन टाटा मोटर्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द नेवी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ डिसम्बर? सो इट इज बींग ऑब्जर्व्ड ऑन 4th of December। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट चलते हैं। नेम द प्लेयर हु हैज टॉप्ड द लेटेस्ट ICC मेन्स T20 आई प्लेयर, जो T20 प्लेयर रैंकिंग होती है बैट्समैन की, आफ्टर अटेनिंग द हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स इन द फॉर्मेट। किसने सबसे ज़्यादा T20 में प्लेयर रैंकिंग बनाई है एंड बैट्समैन बने हैं हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स इन द फॉर्मेट? डेविड मालन, विराट कोहली, बाबर आजम, आरोन फिंच या फिर KL राहुल? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेविड मालन। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है? कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से चलते हैं। अमेरिकन एक्टर रैफर जॉनसन हैज पास्ड अवे। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट एक्टर, जॉनसन वाज अ फॉर्मर लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन हु वन द ओलंपिक गोल्ड इन 6। ओलंपिक गोल्ड इन्होंने 6 जीते हैं। अमेरिकन एक्टर रैफर जॉनसन ग्रेट एक्टर भी थे एंड ही वॉज ऑल्सो लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन। सो इन विच स्पोर्ट ही वॉज देयर? शूटिंग, हाई जंप, आर्चरी, स्विमिंग या डेकाथलॉन? It is decathlon. Next question is, name the Indian female entrepreneur who has topped the Kotak Wealth Hurun Leading Wealthy Women Ranking 2020. किसने टॉप किया है? कौन सी इंडियन फीमेल एंटरप्रेन्योर ने टॉप किया है कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्दी वुमेन रैंकिंग 2020 की? राधा वेम्बू, किरण मजूमदार शॉ, रोशनी नादर मल्होत्रा, नीता अंबानी या लीना गांधी तिवारी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज रोशनी नादर मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांगपोक सेकमाई इज एडजस्ट एज द इंडियाज टॉप मोस्ट पुलिस स्टेशन फॉर 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो आपका नांगपोक सेकमाई जो है ये इंडिया का टॉप मोस्ट पुलिस स्टेशन बताया गया है 2020 का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है। ये पुलिस स्टेशन कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर सिक्किम? सो दिस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन फॉल्स इन द स्टेट मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट से लाइक ठोक देना, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
लाइक्स आर नॉट एज पर द लाइफ स्टूडेंट्स, लाइक कर दिया करो बिना बोले, ठीक है। द एनुअल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो एनुअल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया के? इज इट नागालैंड, गुजरात, उड़ीसा, केरला या फिर राजस्थान? कौन सा फेस्टिवल है? एनुअल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। इसमें जो आपकी वो रेत होती है उससे आर्ट्स बनाई जाती हैं, आपने इसको देखा होगा काफी हद तक। सो विच स्टेट इज दैट? सो इट इज ओडिशा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कौन सी कंट्री के साथ हमने MOU साइन किया है जिसमें हम कोऑपरेशन करेंगे किस फील्ड में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फील्ड में। रशिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? USA, यूनाइटेड स्टेट्स। बेटा जब फॉर्म आएंगे तब फिल करना ना, पहले से फिल करके बैठ जाओगे? अभी आए नहीं है, जब आएगा सबसे पहले अपडेट दे दिया जाएगा, चिंता ना करो। वैलेरे गिसगार्ड डी एस्टेन वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? वैलेरे गिसगार्ड फॉर्मर प्रेजिडेंट कौन सी कंट्री के थे? ब्रिटेन, फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे या ग्रीस? तो ये कौन सी कंट्री के थे बेटा? फ्रांस के। वैलेरे गिसगार्ड, गिसगार्ड ही वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से चलते हैं। The 2020 International Sand Art Festival is which edition of the event? पहले तो ये प्राइज किसने जीता भाई? सबसे बेस्ट सैंड आर्ट का ओडिशा ने, है ना? ये कहाँ होता है सैंड आर्ट फेस्टिवल? जो होता है ओडिशा में होता है, हमारे इंडिया के लिए। इट इज नॉट इंटरनेशनल, इट इज नेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। मगर जो 2020 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल था वो उसका कौन सा एडिशन था इवेंट का? 9th, 4th, 15th, 20th या 10th? So it was the 9th edition, ठीक है, ये 9th edition था, clear? चलिए next question, what is the theme of the Indian Navy 2020? 2020 की Indian Navy की theme क्या थी? Indian Navy silent, strong and swift, Indian Navy mission deployed and combat ready, Indian Navy ensuring secure seas for a resurgent nation, Indian Navy combat ready, credible and cohesive या Indian Navy maritime power for the national prosperity? So it was Indian Navy combat ready, credible and cohesive. आज सीए में से एक भी नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। चलिए next, who among the following has been appointed as the brand ambassador of the Fit India movement? किसको appoint किया गया है ambassador of the Fit India movement? कुलदीप हांडू, गुरदीप इंदौरा, ज्योति पंचाल, गुरनाम सिंह या फिर सुमित कुमार? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कुलदीप हांडू, कुलदीप हांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। 15th प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन थे जिनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, पास ही पास्ड अवे रिसेंटली? मोहम्मद खान जुनेजो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, जफारुल्लाह खान जमाली या चौधरी शुजात हुसैन? सो इट इज जफरुल्लाह खान जमाली, जफरुल्लाह खान जमाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कब ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली? 5th, 4th, 3rd, 2nd या फिर 1st? इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 4th of December, 4th of December। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के फादर कौन है?
ये सबको पता होना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबको पता होगा। सो इट इज छत्रपति शिवाजी भोंसले, छत्रपति शिवाजी भोंसले, सही बात, छत्रपति शिवाजी भोंसले। हाँ जी, 4 दिसंबर ही बताया बेटा, छत्रपति शिवाजी भोंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल नेम्ड हमार अपन बजट। कौन से स्टेट ने अपना पोर्टल लॉन्च किया है, वेब पोर्टल जिसका नाम है हमार अपन बजट, एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटका या फिर छत्तीसगढ़, कौन से स्टेट का है ये वेब पोर्टल हमार अपन बजट, और इसी का एप्लीकेशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट का फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज झारखंड, झारखंड, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट हैज वन 2 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021। बानखून पिथक राया, पटनी थाईलैंड, दोलेश्वर हनाफिया, जे मॉस्क ढाका, मृगदायावन पैलेस वुडशॉप थाईलैंड, या फिर निजामुद्दीन बस्ती न्यू दिल्ली। पैसिफिक अवार्ड मिला है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की तरफ से, 2 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स मिले हैं फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। फटाफट बताएंगे इसका आंसर। सो इट इज निजामुद्दीन बस्ती विच इज इन न्यू दिल्ली इंडिया। इट हैज वन 2 अवार्ड्स, 2 यूनेस्को अवार्ड्स एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर द वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड सॉइल डे कब आता है, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। सो इट इज 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। आपका होमवर्क है कि आपको निकालनी है थीम 2021 वर्ल्ड सॉइल डे की, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे की आपको थीम निकालनी है 2021 की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2021। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की थीम क्या थी 2021 की, वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, वॉलंटियर नाउ फॉर अ कॉमन फ्यूचर, वॉलंटियर्स बिल्ड रेजिलेंट कम्युनिटीज या फिर वॉलंटियर्स एक्ट फर्स्ट। सो इट इज वॉलंटियर नाउ फॉर आर कॉमन फ्यूचर, वॉलंटियर नाउ फॉर आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनीजेती रोसैया पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। कोनीजेती रोसैया ही पास्ड अवे रिसेंटली, ये कौन से स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। वी द सोल्यूशन टू द सॉइल पोल्यूशन, वाह बढ़िया। मैम पेपर कब होगा एमएनएस का, बेटा अभी तो नहीं है, अप्रैल या मई से पहले तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। लो भाई थीम भी आ गई, फैक्चुअल ग्लोबल ने हमें थीम भी भेज दी, बी द सोल्यूशन टू द सॉइल पोल्यूशन, लो ठीक है। इफ इट इज राइट प्लीज करेक्ट, लाइक एक बार रेफर जरूर कर लेना कि ये ठीक है या नहीं है, बट एज पर वट एवर यू हैव टोल्ड मैंने ये लिख दी है, बट प्लीज डू क्रॉस चेक। चलिए सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी बी ऑप्शन, दैट इज इट विल बी डी ऑप्शन, दैट इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलका उपाध्याय हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। अलका उपाध्याय को कौन से स्टेट का
कौन से इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन बनाया गया है? DRDO, इसरो, NHAI या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सो शी इज बींग अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड अजाज पटेल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग डैश बॉलर इन द टेस्ट क्रिकेट टू क्लेम ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स. न्यूजीलैंड के अजाज पटेल जो हैं, ही हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग डैश बॉलर इन द टेस्ट क्रिकेट, जिन्होंने पूरे के पूरे 10 विकेट एक ही इनिंग्स में क्लेम किए हैं. थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ या सेकेंड, ही इज विच वन बॉलर, कौन से नंबर के बॉलर हैं? सो इट इज, इसरो से हैं तो आप जानते होते हैं. नहीं, इसरो का नहीं है. सो इट इज थर्ड, ही इज द थर्ड बॉलर हु हैज क्लेम्ड 10 विकेट्स इन एन इनिंग एंड ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड. ठीक है, चलो अब हो गया है टाइम हमारी स्पेशल क्लास का, है ना भाई? अब हमारी टाइम हो गया है स्पेशल क्लास का, फटाफट से उधर आ जाओ. आई विल बी लाइव हेयर अगेन एट 9:35 PM. 9:35 PM वापस आएंगे हम, और जितने बचे हैं क्वेश्चंस वो कंप्लीट करेंगे. ओके, चलिए. ओके, जय हिंद एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट. अब आ जाओ 9 बजे वाली लास्ट क्लास, स्पेशल क्लास में. ठीक है, 9 बजे स्पेशल क्लास है साइंस के MCQs की, उसको अटेंड करो फटाफट. मैम ये पढ़ाया आपने? हाँ, चलिए. ओके, जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द सेशन अगेन बैक. चलिए तो आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, 23rd क्वेश्चन इज, विनोद दुआ रिसेंटली पास्ड अवे एट 67. ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे? पॉलिटिक्स, आर्किटेक्चर,
जर्नलिज्म या एडमिनिस्ट्रेटर, सो ही वॉज एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ योर जर्नलिज्म. जर्नलिज्म से थे बेटा विनोद दुआ, ही वॉज नॉट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ही वॉज फ्रॉम जर्नलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट, द कंट्रीज फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड इन द पार्टनरशिप विद वीजा. पहला मेटल डेबिट कार्ड, मेटल का होगा वो डेबिट कार्ड, प्राइवेट इनफाइनाइट, द कंट्रीज फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड इन द पार्टनरशिप विद वीजा, SBI, PNB, एक्सिस बैंक या IDFC फर्स्ट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, IDFC फर्स्ट. करेक्ट ऑप्शन इज IDFC फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज रिसेंटली नेम्ड विच अमंग द फॉलोइंग एज द वर्ड ऑफ द ईयर. कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या डिक्लेयर किया है, परसीवेरेंस, क्लैरिटी, विजन या NFT. सो इट इज परसीवेरेंस. एक और आपका मैंने कराया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग विच वॉज द थिंग, बट दे हैव डिक्लेयर्ड वैक्सीन एज द ईयर वर्ड ऑफ द ईयर. वैक्सीन को उन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी यूनिवर्सिटी या किसने ये किया है, बट दे हैव डिक्लेयर्ड वैक्सीन एज द वर्ड ऑफ द ईयर. बट एज पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी द वर्ड ऑफ द ईयर इज परसीवेरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव अग्रीड टू स्टेप अप देयर क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप. दे जॉइंटली अग्रीड ऑन अ डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम अंटिल. इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक अग्री किया है क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पार्टनरशिप. अब जो जॉइंटली अग्री कर रहे हैं डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम पे, कौन से ईयर तक, 2022, 23, 24 या फिर 25. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थीम फॉर द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस. फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन, ब्रिंगिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एकेडमिया, प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन या इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थीम फॉर द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद द अमेजॉन वेब सीरीज टू ऑफर स्टार्टअप टूल किट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स. किसने पार्टनर किया है अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ ताकि वो स्टार्टअप टूल किट दें एंटरप्रेन्योर्स को, सीसी एवेन्यू, पेटीएम, फोनपे या पेयू. सो इट इज Paytm has partnered with the Amazon Web Services to offer a startup toolkit for the entrepreneurs. Next question is, name the joint military exercise whose 11th edition has been conducted by the India and Maldives. Joint military exercise iska 11th edition India aur Maldives ne abhi recently conduct kiya hai. Surya Kiran, Suraksha Kavach, Mitra Shakti ya E-Kuveran. Patapat badayenge sab iska answer. So it is E. Kuveran. Next question, which tennis team has won the Davis Cup tennis tournament held in Madrid? Tennis Cup जो है, Davis Cup जो होता है tennis tournament को Madrid में जो हुआ था, कौन सी country ने इसको जीता है? Croatia, इट इज क्रोशिया, रशिया, डेनमार्क या फिर इंडिया. फटाफट बताएंगे तो करेक्ट आंसर इज रशिया. इट इज नॉट डेनमार्क डियर, इट इज रशिया. रशिया टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप कौन जीता है मैड्रिड में जो हुआ था, इट इज बाय रशिया.
ठीक है, तो ये हो गया आपके दिसंबर वीक टू के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं आपके कुछ नए बैचेस जो आपके अन अकेडमी पर अभी अभी आए हैं। एक अजय बैच है आपका, जो आपका 22 दिसंबर को शुरू हो रहा है, उसका मैं पिक्चर नहीं डाल पाई। कमांडो 2.1 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। कॉन्कर बैच आपका, ये कंप्लीट डिटेल कोर्स 10 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। शुश्रुता एमएनएस बैच कोर्स आपका एमएनएस के लिए स्टार्ट हुआ है। एंड इफ़ यू हैव नॉट येट फॉलोड मी ऑन अनअकैडमी, सबसे पहले जाइए फॉलो करिए, एंड आई हैव अ ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल, एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर यहाँ एमएनएस लिखा हो, ठीक है। ऑन द सर्च बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, कैटेगरी चूज करिएगा NDA, एंड देन यू कैन सर्च मी विद माई नेम श्रुति शर्मा, बट डू रिमेंबर यहाँ MNS मैंशनड हो, बिकॉज मेनी एडुकेटर्स आर नेम विद द सेम। चलिए, फॉलो करने के बाद आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे। यू कैन टेक माई स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री, एंड यू कैन अनलॉक विद देम विद द कोड श्रुति 0401, ठीक है। और ये जितने भी बैचेज हैं आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे, जिसके लिए आपको अन अकेडमी का NDA सब्सक्रिप्शन लेना है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS और NDA, उसके लिए आपको कोड लगाना है श्रुति 0401, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज देयर, ठीक है। ये सारे बैचेज आपको उस एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो यू विल गेट रेज हैंड फीचर एंड डाउट फीचर ऑल्सो, ठीक है। तो फटाफट जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, इट इज हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर MNS और योर NDA 1/2022, नहीं तो इससे ज्यादा लेट करोगे तो देर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, सो दिस वॉज योर करंट अफेयर्स, दिसंबर सेकेंड वीक वी हैव कम्प्लीटेड। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग योर होल करंट अफेयर्स, लाइक डेली वाला करंट अफेयर्स, इट विल बी देयर। और डेली करंट अफेयर्स हम कल से रेगुलर करेंगे, और फिर उसके बाद वीकली आपका थर्ड वीक का भी आ जाएगा। यस विशाल, आई पुट डेली, आज दो डेली डोज डालूंगी मैं, आज दो डेली डोज डालूंगी, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। चलिए, जय हिंद एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, गुड नाइट। आपकी 11 बजे एक SSB की क्लास है, इफ़ यू पीपल वॉन्ट टू अटेंड दिस दैट क्लास देन यू कैन श्योरली अटेंड दैट क्लास, ओके। 11 PM वी हैव एन SSB क्लास। आपने बुक नहीं बताई स्ट्रैटेजी के लिए, बुक यू कैन टेक अप स्ट्रैटेजी के लिए। बेटा मैंने सभी आपको बुक्स रेफर करी हैं, या तो NDA की बुक ले लो या FCAT की बुक ले लो, ठीक है। उसमें जितनी स्ट्रैटेजी के है वो MNS के लिए बहुत है, ठीक है। यू कैन ईदर टेक द FCAT बुक और यू कैन टेक NDA और योर CDS बुक। एक घंटे क्या करूंगी, एक घंटे वही रिकॉर्ड करूंगी। आधे 10-15 मिनट लगते हैं रिकॉर्ड।